हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक, आप सभी का स्वागत आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में करता हूं। मित्रों, जिन मित्रों ने यूपी बीएड 2019 में प्रवेश नहीं लिया, इस वजह से कि बीटीसी का फॉर्म जल्द आएगा, इस वजह से कि डीएलएड 2019-21 सत्र में हमारी मेरिट अच्छी है और हमको डाइट यानी सरकारी संस्थान मिल जाएगा शिक्षण कार्य प्रशिक्षण कार्य पूरा करने के लिए, इस वजह से कि यहाँ पे फीस उतनी है और हम प्राथमिक के लिए योग्य हैं, हम प्राथमिक में अच्छे से शिक्षण कार्य कर सकते हैं, इसलिए उसकी शिक्षण योग्यता हमको निर्धारित करती है, हम वहीं करेंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे और लगातार हम लोग यही कर रहे थे कि लगातार 26-27 तक आपका आ जाएगा और कल उम्मीद थी कि कल आ जाएगा, लेकिन कल ना होते हुए आज के मॉर्निंग सेशन में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अब यूपी डीएलएड बीटीसी 2019 आवेदन प्रक्रिया, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को फॉलो करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और ऑनलाइन आवेदन कल से जो बात कही जा रही है इसके बारे में पूरी डिटेलिंग और पूरा जो टाइम टेबल फिक्स कर दिया जा चुका है, पूरे टाइम टेबल पर चर्चा करेंगे, इसमें कब तक आवेदन करना है, कितनी आवेदन फीस है, क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ों पर चर्चा होगी इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, आपकी अगर कोई असुविधा है, कोई परेशानी है तो उसको तत्काल रूप से अभी से दूर करना शुरू कर दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी परेशानी है, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और आगे की जितनी प्रोसेस है काउंसलिंग तक की सारी प्रोसेस आपको इस चैनल पर राय एजुकेशन चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अमर उजाला न्यूज़पेपर में आज के मॉर्निंग सेशन में ये न्यूज़ निकली है कि डीएलएड, जिसका पूरा नाम बीटीसी 2015-22 तक के लिए, ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट होने वाले हैं और 11 जुलाई तक आपके आवेदन होंगे, यानी बहुत कम टाइम है, लगभग मेरे ख्याल से आपको लगभग 15 दिनों का मौका दिया जाएगा, और पहले चरण में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू हो जाएगा, यानी कि 6 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी प्रशिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य 6 अगस्त से आवेदन किए जाएंगे, और बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीय और निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण का प्रशिक्षण आपका 6 अगस्त से शुरू होगा, जबकि दूसरे चरण की प्रक्रिया आपकी 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी, यानी कि लगभग अगस्त के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आप कह सकते हैं आपके प्रशिक्षण कार्य, जो फर्स्ट फेज़ का भी है और सेकेंड फेज़ में जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उनके शिक्षण कार्य आप कह सकते हैं 20 अगस्त से सभी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरी प्रक्रिया और देख लेते हैं, शैक्षणिक योग्यताएँ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। वैसे ही पूरी मैं पेपर की कटिंग पूरी अपने टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन होकर दे सकते हैं। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश CBSE ICSE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होने चाहिए आप, यानी कम से कम 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इंटर हाई स्कूल के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि कितना परसेंटेज है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका कम से कम 50% होनी चाहिए ही चाहिए। और SC ST OBC विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, पूर्व भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी इस मुद्दे पे हैं कि उनको इस पे छूट चाहिए, अगर वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, SC ST हैं, OBC हैं, विकलांग हैं और स्वतंत्रता सेनानी और आश्रित उनके हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उनको 5% की छूट दी जाएगी न्यूनतम अंकों में, जो न्यूनतम अंक है उसमें। और समान और OBC के लिए आवेदन शुल्क आपका 500 रुपये है, याद रखिए 500 रुपये आपका आवेदन शुल्क है, और SC ST के लिए 300 रुपये और विकलांग श्रेणी के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। तो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में है, आपके आवेदन से लेकर कब तक आवेदन होगी, तिथि क्या है और कितना फीस लग रहा है, और अल्पसंख्यक संस्थान 50% सीटों पर स्वयं लेंगे आवेदन, यानी कि NCTE से DLED की मान्यता प्राप्त और राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यक घोषित संस्थान 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन ही लेना होगा। तो सारी ऑनलाइन, और ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे देखिए है, तो पूरे कार्यक्रम की बातचीत कर लेते हैं। अगर इसमें बात करें तो राजकीय में फीस के बारे में बात करें, तो जो आपका डाइट होगा यानी जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो होती हैं सरकारी, तो उसमें 10,200 रुपये फीस है और निजी में 41,000 रुपये आपकी फीस रहेगी। तो DLED यानी BTC प्रशिक्षण के लिए राजकीय संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क जो है वो 10,200 रुपये और निजी संस्थानों में 41,000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। निजी संस्थानों में निर्धारित जो फीस है उसको लेने के लिए संबंधित समाप्त कर दी गई, संबद्धता उसकी समाप्त कर दी गई है, अधिक फीस इसमें अब कोई नहीं लेगा, जितनी फीस है वो आपकी सबके समक्ष रहेगी ऑनलाइन ही।
अब कार्यक्रम पे थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं एक एक को। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज 26 जून को ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करेंगे यानी आज, और 27 जून से 11 जुलाई तक शाम 6 बजे तक आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे यानी 11 जुलाई लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क 12 जुलाई तक जमा होगा और आवेदन पत्र का जो प्रिंट होगा वो 13 जुलाई तक ले सकेंगे। 17 से 30 जुलाई तक अभ्यर्थी वर्गवार अपने श्रेणीवार मेरिट के अनुसार राजकीय और निजी संस्थानों में आवंटित सीटों का विकल्प लिया जाएगा यानी काउंसलिंग आपकी प्रोसेस होगी। आपको सीट चूज करनी पड़ेगी कौन सा कॉलेज आप लेंगे और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प में से NIC लखनऊ की ओर से काउंसलिंग के लिए संस्थान आवंटित किए जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज़ आपका है कि काउंसलिंग के जो प्रथम चरण होगा, फर्स्ट फेज़ की जो काउंसलिंग होगी उसमें जो आवंटित संस्थान होगा उसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेज का जांच होगा और प्रवेश कार्रवाई 5 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी और 6 अगस्त से प्रशिक्षण आपका शुरू किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे डेट तो 6 तारीख दी गई है लेकिन अभी यहाँ पे लेट लतीफ़ी भी संभावित है क्योंकि इतना देर में किया जा रहा है तो इतनी जल्दी तो होता नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि NIC जो इनकी वेबसाइट है वो क्रैश ना करे, वो लोड संभाल ले और प्रॉब्लम ना फेस हो बस अभ्यर्थियों को। आगे इसमें कि प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद राजकीय और निजी संस्थानों में जो पद रिक्त रहेंगे उन पर 16 से 26 अगस्त के बीच अभ्यर्थियों के संस्थानों का विकल्प लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए मेरिट के अनुसार संस्थान आवंटित किए जाएंगे और द्वितीय चरण में जो अभ्यर्थी के दस्तावेज की जाँच और प्रवेश कार्रवाई 30 अगस्त तक की जाएगी। तो मैंने बोला कि 18 तारीख जो वहाँ पर दी जा रही थी पूरा अगस्त आपका, उम्मीद है कि पूरा अगस्त आपका, तो सितंबर से ही आपकी क्लासेस सुचारू रूप से जो कह सकते हैं कि अच्छे से आपके चलने लगेंगी और पूरे अगस्त पर ये आपका मिड तक पूरा कंप्लीट अगस्त तक ये कार्रवाई आपकी चलेगी। तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग आप लोग इतने दिनों से परेशान थे कि कब से आएगा कब से आएगा DLED का फॉर्म, अब कल से आपके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आज जो निकालना है इनको विज्ञप्ति वो निकाल देंगे। तो अतिरिक्त कक्षाएं चलेंगी DLED 2019 में। पहले चरण में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू होगा। पहले चरण में चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर प्रशिक्षण को इस प्रकार पूरा किया जाएगा ताकि उनका पाठ्यक्रम भी पहले चरण के अभ्यर्थियों के साथ पूरा हो सके। यानी जो सेकंड फेज तक जाएंगे या जिनका लेट होगा तो उनका एक्स्ट्रा क्लासेस देकर उनको अच्छे से, तो मुझे लगता है कि सबको बराबर ही जाएगा, उतना अच्छे से डील नहीं किया जाता है। फिर भी परेशान मत होइएगा कि आपकी कक्षाएँ आपकी छूटेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, और अगला ये न्यूज़पेपर है आपका दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, इसमें भी वही चीज़ दी गई है और उसमें अलग तरीके से कि DLED में प्रवेश के लिए एक आवेदन सभी जिलों में मान्य होगा। तो आपको अलग अलग जिलों के लिए, अब तो पिछली बार से ही ऐसा ही रूल लागू हो गया, नहीं तो 2015 बैच आई थिंक वहाँ तक BTC तक जो था वो उसमें हर ज़िले की डाइट पे जाकर आपको काउंसलिंग प्रोसेस करनी पड़ती थी हर ज़िले की डाइट पे। तो अब आप एक ही रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप कई ज़िलों में आप आवेदन कर सकते हैं, आपको अलग अलग आवेदन नहीं करने पड़ेंगे पहली बात। और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण जो आप लोग बात करेंगे इसमें, तो आपके जो प्रश्न आने वाले हैं उस प्रश्नों का पहले ही जवाब यहाँ पे देखिए सब चीज़ मिल चुका है कि DLED के राजकीय व निजी कॉलेजों में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का जो शासनादेश है उसका जिक्र नहीं है। यह जरूर कहा गया कि आरक्षण व विशेष आरक्षण नियमानुसार दिया जाएगा लेकिन उसके लिए स्पेशल बात अभी तक कुछ देखने को नहीं मिली है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है और ये सीटें कितनी हैं आपकी 10,600 डैट में और आपके निजी संस्थान में 231,700 सहित कुल आपके 242,300 सीटें हैं। टोटल सीटों की बात करें तो 242,300 सीटें हैं, 242,300 सीटें हैं आपकी टोटल, जिसमें से 10,600 आपकी सरकारी सीटें हैं जिसको डाइट बोलते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, और इसके अलावा टोटल जो आप 231,700 आपकी प्राइवेट की सीटें हैं। तो आपको जो डाइट में फ़ीस आपकी जो दे होगी वो 10,200 रुपये होती है एक साल की, और प्राइवेट में भी बोल दिया जाए तो 41,000 की आपकी फ़ीस होती है एक साल की, और बाकी भुगतान जो है वो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद। तो ये सारी प्रक्रियाएं रहीं और ये डिटेलिंग मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल करा दूंगा राय एजुकेशन पे। इसके अलावा आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी प्रश्न हो ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा क्योंकि अब लगातार आपको हर वीडियोज़ मिलती रहेंगी BTC के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा जाइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।